गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज अरोड़ा, HOD ऑफ निशान क्लासेस कोटा। आज हम गणित में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या होती है? आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। अब ये सुव्यवस्थित क्रम का क्या मतलब है? ये तो हो गया आयताकार बॉक्स। अब इसमें हमने अवयव लिखा 2, 4, 5, तो इसको 245 ना पढ़ के इसको 2, 4, 5 पढ़ते हैं। ये जो आड़ी लाइनें होती हैं ये पंक्तियाँ कहलाती हैं, इंग्लिश में इसको रॉ कहते हैं, इसलिए हो गया R1। खड़ी लाइनें हमारे स्तंभ होते हैं, कॉलम, इसलिए हम इसको C से दर्शाते हैं। तो ये C1, ये C2, ये C3, तो ये आड़ी लाइनें पंक्तियाँ, खड़ी लाइनें स्तंभ। अब सुव्यवस्थित क्रम का क्या मतलब है कि एक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो मैं ऐसे यहाँ 5 नहीं लिख सकता। अब सुव्यवस्थित क्रम का क्या मतलब है कि जैसे ही आप दूसरे स्तंभ में 2 अवयव हुए, तो अब ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ खाली आए, यहाँ आपका मन है कुछ भी लिखो, आप माइनस लिखो, प्लस लिखो, कुछ भी लिखो। तो जैसे अब एक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो हर पंक्ति में 3 अवयव होंगे, अभी 8 हो गए। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 5 लिख के छोड़ दूँ, क्योंकि अब ये तीसरी पंक्ति काउंट हो गई। अब तीसरी पंक्ति काउंट हो गई तो तीसरी पंक्ति में तो एक ही अवयव हुआ, बाकी दोनों पंक्तियों में 2-2 अवयव, 3-3 अवयव हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ भी लिखना पड़े। तो ये मतलब है सुव्यवस्थित क्रम का। तो परिभाषा क्या हुई? आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे ए बराबर हो गया, बी बराबर हो गया, 5, 6, 7। अच्छा, आव्यूह की मेन बात क्या है कि किसी भी आव्यूह में कितनी भी पंक्ति और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। आड़ी लाइनें पंक्तियाँ कहलाती हैं, तो यह R1 हो गया, इसमें 3 स्तंभ हो गए, C1, C2, C3। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, BC बड़े अक्षर से दर्शाना है, कितनी भी पंक्ति, कितने भी स्तंभ हो गए। इसमें 2 लिखा, इसका मतलब इसमें 1 पंक्ति और 1 स्तंभ, तो ये आव्यूह होता है। आव्यूह का मतलब है आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। तो अंदर लिखे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अवयव को सामान्यतया छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। अगर हम इसमें अंदर लिखेंगे तो ये ABC हो गया, इसमें 1 पंक्ति, 3 स्तंभ है, तो आव्यूह में कितनी भी पंक्ति, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। तो फिर एक बार परिभाषा, आयताकार बॉक्स में अवयवों को सुव्यवस्थित क्रम में लिखना आव्यूह कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अवयव नहीं आएगा, यहाँ कुछ तो लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि एक पंक्ति में अगर 3 अवयव है तो फिर हर पंक्ति में 3 अवयव होंगे, तो यहाँ आपका मन है कुछ भी लिखो आप। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आव्यूह, जिसे सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और अवयवों को हमेशा छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। ऐसे आव्यूह को दर्शाने के और भी तरीके, पर अपनी बुक्स में और पेपर में हमेशा बॉक्स ही मिलता है। ठीक है, अब दूसरा आएगा आव्यूह का क्रम या कोटि। किसी बुक में क्रम मिलेगा, किसी बुक में कोटि मिलेगा, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, इसको M, इसको N से दर्शाते हैं। तो आव्यूह में हमेशा आगे जो लिखा हुआ वो पंक्तियों की संख्या आएगी, पीछे लिखा होगा वो स्तंभों की संख्या आएगी। जैसे ये आव्यूह, अब इसमें 3 पंक्ति, 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3 × 3। कोटि को यहाँ लिखते हैं हमेशा। इसमें कितनी होगी? 1 पंक्ति, 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 × 3। इसमें कितना है? 1 अवयव है, तो इसकी कोटि हो गई 1 × 1, इसकी कोटि होगी 1 × 3। तो आव्यूह में कितनी भी पंक्ति हो सकती है और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। तो हमेशा आव्यूह में जो पहले लिखा होगा वो पंक्तियों की संख्या होगी, और बाद में लिखा होगा वो हमेशा स्तंभों की संख्या को दर्शाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक आव्यूह की कोटि 4 × 3, तो आपको ये समझना होगा कि 4 × 3 है, इसका मतलब है कि उसमें 4 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 4 आड़ी लाइनें आएंगी और 3 खड़ी लाइनें आएंगी। फिर आता है कुल अवयव। कुल अवयव चाहें तो हम इनको गुणा करके लिख सकते हैं MN, या हम काउंट करके भी बता सकते हैं। जैसे इसमें कितने अवयव हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें 9 अवयव हैं। और हम चाहें तो 3 × 3 डायरेक्ट गुणा करके भी 9 बता सकते हैं। इसमें 1 × 3 3 अवयव है, इसमें 1 ही अवयव है, इसमें 3 अवयव है, तो ये होता है कुल अवयव M × N। लेकिन आव्यूह में आपको अगर 2 × 3 लिखा है तो वो उसकी कोटि कहलाएगी 2 × 3। ऐसा नहीं होगा कि, चूंकि गणित में तो 2 × 3 बराबर 6 होता है, लेकिन अगर हमसे कुल अवयव पूछें तो हमें 6 लिखना पड़ेगा, और हमसे कोटि पूछी है तो हमें 2 × 3 बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आव्यूह की पंक्तियाँ,
हमेशा कोटि में आगे पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या थी। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। इसमें हमसे बोर्ड में कैसे एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, इस चैप्टर से हमेशा एक एक नंबर का सवाल आता है, एक दो नंबर का सवाल आता है। तो एक नंबर का सवाल कैसे बताएं, अगर वो हमसे आव्यूह देगा और हमसे कुल अवयव पूछेगा तो हम यूँ बता सकते हैं डायरेक्ट कि इसमें छः अवयव हैं। तो कोटि पूछेगा एक तो दो इंटू तीन, दो पंक्तियाँ तीन स्तंभ, और कुल अवयव पूछेगा तो छः अवयव। लेकिन वो ऐसा नहीं पूछता, वो हमेशा उल्टा पूछता है। वो हमसे सवाल में क्या कहेगा कि एक आव्यूह में कुल 24 अवयव हैं। अब वो हमसे पूछेगा तो संभावित कोटियां बताइए आप। ये एक नंबर का सवाल बहुत अच्छा बनता है बोर्ड में, ज्ञात करो। तो हमें कुल अवयव दे दिए 24। अब हमें पता है कि हमसे पूछ क्या रहा है, कोटियां पूछ रहा है। तो आपको ये पता हो कि कोटियों का मतलब है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इनडायरेक्टली हमें 24 के दो गुणनखंड करने। लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे हम डायरेक्ट 6 चौक 24, ऐसे तो हम हो सकता है कि बीच में कोई गुणनखंड भूल जाए। तो हम लाइन से शुरू करेंगे, हमेशा 1 से शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 24, इसका मतलब हुआ एक पंक्ति और 24 स्तंभ। हाथों हाथ इसका उल्टा कर दो, 24 इंटू 1, ये एक एक दो तीन चार पाँच छः से 24 तक आ जाएगा। तो एक पंक्ति 24 स्तंभ, और ये इसका मतलब हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो 24 पंक्तियाँ एक स्तंभ। ऐसे फिर दो का नंबर लेंगे, दो में 24 में भाग जाता है 12 बार, 12 इंटू 2, हाथों हाथ उल्टा कर दो, फिर आपको सोचना ना पड़े। तीन, फिर तीन में 24 में भाग दे लो तो 8 बार, 8 दिया 24, हाथों हाथ उल्टा करते चलो। फिर 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, फिर मैंने 5 भी सोचा लेकिन 5 में 24 का भाग नहीं जाता तो ये इसका नहीं होगा। उसके बाद 6, तो 6 हम ले चुके हैं, इसका मतलब आपको आगे सोचना नहीं, हमने उल्टा कर दिया। तो कुल संभावित क्रम कितना होगा, 8। कुल संभावित क्रम 8। इससे क्या होगा कि आपको कोई चूक नहीं होगी। मतलब अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे कि 6 चौक 24 है तो हो सकता है हम कोई भूल जाएं, इसलिए 1 से शुरू हो जाओ आप, तो फिर कोई भी नहीं छूटेगा आपसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कुल अवयव 42। अब हमसे पूछेगा संभावित क्रम बताओ, तो आप 1 से शुरू हो जाओ, 1 इंटू 42, हाथों हाथ उल्टा कर दो 42 इंटू 1। फिर 2, 2 इंटू 21, हाथों हाथ 21 इंटू 2। फिर 3, 3 का भाग इसमें जाता है क्या, जाता है 14 बार, 3 इंटू 14, 14 इंटू 3। फिर मैंने 4 का भी सोचा लेकिन 4 का 42 में भाग नहीं जाता। फिर 5 लिया, 5 का भी 42 में नहीं जाता। फिर 6, 6 संग 36, 6 सत्ते 42। अब 6 के बाद 7 ही आता है तो 7 आ गया हमारा, इसका मतलब हमें नहीं सोचना, 7 के बाद सीधा 14 ही आएगा, 14 के बाद सीधा 21 ही आएगा, 21 के बाद 42 ही आएगा। तो हाथों हाथ उल्टा करते चलेंगे तो अपना टाइम भी कम हो। तो इसमें भी कुल अवयव, कुल संभावित क्रम कितने हो गए, 8 हो गए। तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक नंबर का सवाल हमारे बोर्ड में बनता है। तो ये हुआ, दूसरा आता है वापस से। अब आव्यूह को हम क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो आव्यूह को कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2 4 5 1 2 3। तो सामान्यतया हमेशा आव्यूह को ए आई जे इधर एम इंटू एन से दर्शाते हैं। इसको पढ़ना सीख लेंगे अगर अपन तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ए आई जे का मतलब होता है आई वी पंक्ति का जेवा अवयव, आई वी पंक्ति का जेवा अवयव। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ए टू थ्री, तो हमेशा आगे पंक्ति को दर्शाएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे याद कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। जैसे हम आपको यही एग्जांपल दिया और हमसे पूछा बताओ ए टू थ्री, तो हमें पढ़ना आएगा तभी तो हम बताएंगे। तो ए टू थ्री का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 3। वो मुझसे पूछेगा ए वन टू बताओ, तो पहले मुझे इसको पढ़ना आना चाहिए, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो 4 आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहला अवयव। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल लिया, अब वो एक नंबर का सवाल हमसे सिंपल कैसे बना सकता है, 4 - 1 - 5 - 1 - 2 - 7 - 0 - 5 - 7। अब हमसे पूछेगा इसका क्रम बताइए, तो क्रम पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, तो क्रम हो गया इसका 3 बाई 3। कुल अवयव बताइए, कुल अवयव हम चाहें तो इनको गुणा करके बता देंगे 9 अवयव, चाहे तो हम काउंट करके बता देंगे। अब वो हमसे पूछेगा A13 बताओ, तो इसका मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, तो पहली पंक्ति में तीसरा अवयव कौन है, 5, तो इसका आंसर हो गया 5। वो हमसे पूछेगा A32 बताओ, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है यहाँ पर, 5। तो ऐसे हमें पढ़ना आना चाहिए। वो बोले A11 बताओ, तो A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो 4। चलो इसको और हम एक और एग्जांपल से पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है आना, ये पढ़ना आएगा तो आपको पता ही है ये कि यही बात चौथे चैप्टर में काम आएगी, ये कि ये बात पांचवें चैप्टर में काम आएगी। तो जैसे हमें एक और बार ये लिखा 1 2 3 4 5 6, तो अब हम इसको ये कैसे पढ़ेंगे, A11,
A11 का मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो 1। A12 पूछे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2। A13 पूछे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। कहने का मतलब है आपको मेन बात ये याद रखनी कि आप वो मुझसे पूछ रहा है A43 बताओ, तो A43 का मतलब है वो हमसे चौथी पंक्ति का तीसरा अवयव पूछ रहा है, तो ये पढ़ना आ जाएगा तो फिर हम बता सकते हैं। तो आगे हमेशा पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाला अक्षर हमेशा उसकी पोजिशन में कौन सी पंक्ति में कौन से नंबर का अवयव है। जैसे A21 बताओ, तो A21 का मतलब है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो आंसर क्या आएगा 4। यानी कि आप चाहें तो रट भी सकते हैं। कैसे रट सकते हैं, इसका मतलब है हर अवयव A11 से शुरू होती है, ये आपके लिए और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आप चाहें तो इसी को याद कर ली कि हमेशा A11 आएगा, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो कोई भी अवयव होगी उसमें कम से कम एक अवयव होना तो आवश्यक ही है, तो वो हमेशा क्या होगा पहली पंक्ति का पहला अवयव, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का ऐसे एंड सो ऑल चलता रहेगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, और आगे नीचे बढ़ाना है तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति, ऐसे चलता रहेगा हमेशा। तो आप रट सकते हैं कि हर अवयव A11 से ही प्रारंभ होती है। जैसे अब इस पर हमसे सवाल कैसे पूछता है, एक एग्जांपल और करते हैं। एक नंबर का सवाल हमसे पूछ सकता है, वो ऐसे पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोलेगा 1, 2 by 3 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात करो, जहां अब वो AIJ बदलता रहेगा हर सवाल में। जैसे उसने मुझसे पूछा AIJ बराबर 2i+j, फिर AIJ बराबर i+j, i(j), ऐसे समथिंग कोई सा भी कितने भी सवाल बना सकता है। सबसे मेन बात ये है अब इसका सॉल्यूशन कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे पूछ क्या आ रहा है। तो हमसे वो पूछ रहा है 2 by 3 क्रम का एक अवयव बताओ, तो जैसे ही आपको अवयव का क्रम या कोटि बताओ तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है, तो इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। दूसरी बात, इसमें कुल कितने अवयव होंगे, तो कुल 6 अवयव होंगे। तो आप कैसे करेंगे, अतः आवयव A बराबर A दिया हुआ है तो A ले लेंगे, B देगा तो B ले लेंगे, C देगा तो C ले लेंगे। अब अपने को रटा हुआ है कि हमेशा सबसे पहले A11 ही आएगा, तो A11 क्योंकि पहले पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। फिर आप क्या है, और भी अगर आपको आसान हो तो आप पहले ही लिखा लो कि 2 पंक्ति है R1 R2 लिख लो, 3 स्तंभ है C1 C2 C3 लिख लो और शुरू हो जाओ A11 से। हमेशा A11 से शुरू होगा, A11 A12 A13। अब आगे नहीं बढ़ना, अगर आप A14 लिखोगे तो 4 स्तंभ हो जाएंगे। तो हमसे कितना पूछा है, 2 by 3 का, जितना पूछा है उतना बताना। A21 A22 A23 ये 2 × 3 है, A2 × 3 लास्ट में मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गए कुल 6 अवयव। ठीक है, अब हम इनके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ AIJ की वैल्यू दी हुई है 2i+j। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये 6 अवयव निकालने हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो जैसे हमें निकालना है A11, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 1। तो हमेशा आगे वाला i होगा, पीछे वाला j होगा, तो इसमें i की वैल्यू 1 रख देंगे, j की वैल्यू 1 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे 3 A12, आगे i 1 चलेगा, j 2 चलेगा, तो 2 और 2 4 A13, आगे i की 1 वैल्यू, j की वैल्यू 3, तो 5 हो गए। ऐसे अब हमें दूसरे पंक्ति के निकालने हैं, तो A21, अब i आगे वाला i होता है, पीछे वाला हमेशा j होता है, इसमें i की वैल्यू रखेंगे हम 2, j की वैल्यू रखेंगे 5, A22 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 6, A23 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 7। ये सारे हमने 6 के 6 अवयव निकाल दिए, लेकिन हम इतना लिख के छोड़ देंगे तो हमारे नंबर काट लेगा, क्योंकि उसने हमसे अवयव A पूछा है, तो आपको एंड में इसमें आंसर रख के देना पड़ेगा। अतः अवयव A, ये जो 6 वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर जमा के देंगे हम, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ये हमारा आंसर हो गया 2 by 3 का एक अवयव। ठीक है, तो ऐसे आप बस ये याद रखो कि हमेशा हर अवयव A11 से शुरू हो गया, चाहे तो रट भी सकते हैं। फिर वो किसी भी क्रम का पूछा, आपसे 3 by 2 का पूछ रहा है तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ लेना, शुरू तो यहीं से हुआ A11 A12 ऐसे चल के लिख लेंगे हम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।